वीडियो में दिखाए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करने से पहले ध्यान रखें, यह नंबर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेने के लिए उपलब्ध है। आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके शुल्क पता कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा व प्रश्न कुंडली का विश्लेषण कराने हेतु इस नंबर पर संपर्क करें। दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वृषभ राशि के साथ में तुला राशि के संबंध कैसे रहते हैं, उनकी वैवाहिक जिंदगी कैसी रहती है, वैवाहिक जीवन में क्या इफेक्ट डालते हैं, क्या रहता है उनका जीवन का दिनचर्या और आपस में कैसी बनती है, यानी कि मैरिड लाइफ कैसी रहती है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के फ़ायदे अनेक हैं, आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं मैसेज करके फेसबुक पेज पर, वहां पर मैं रिप्लाई आपको आसानी से दे देता हूं। अब बात करते हैं वृषभ राशि के साथ में तुला राशि के संबंध कैसे रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वृषभ राशि का और तुला राशि का स्वामी एक ही है, शुक्र। शुक्र जो कि ऐश्वर्य का कारक है, लक्ष्मी का कारक है, लक्ष्मीपति जिसे माना जाता है, वही शुक्र एक सृजनात्मक कलाओं का कारक है, श्रृंगार का कारक है, स्त्री का कारक है, वही शुक्र इन राशियों का स्वामी है। वृषभ राशि से तुला राशि का जो संबंध है वो छठवे का पड़ेगा। छठवा संबंध बनने के चलते इन दोनों लोगों में जो दिक्कतें आती हैं वो ये हैं कि ये लोग आपस में एक दूसरे की मानते नहीं हैं, एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, टांग खींचने का काम करते हैं। मान लीजिए इनका लव रिलेशन चल रहा है तो उसमें क्या होगा, उसमें भी एक दूसरे की कमियां ढूंढेंगे, ये किसने क्या गलती की आज, किसकी क्या गलती है, और इन छोटी छोटी कमियाँ निकालने की जो आदत होती है उसी से लोगों का विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो उसी के चलते ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, इनकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं रहती है। और दूसरी एक अच्छी बात है इनकी लाइफ में, अगर शादी हो जाती है तो वृषभ और तुला का जो संबंध बनता है वो सबसे बढ़िया संबंध ये है कि वृषभ और तुला का जो संबंध है वो अच्छा ये है कि घर में एक बहुत ही अच्छी वातावरण की स्थिति रहती है, आपस में दोनों के दोनों लोग ही एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं और घर की जो बातें हैं उन्हें बखूबी निभाते हैं और एक दूसरे को जो सलाह देते हैं वो भी एक करेक्ट होती है और घर के जो खर्चे हैं उन्हें मेंटेन अच्छी तरीके से करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो देख करके समझ आ गया होगा कि वृषभ राशि और तुला राशि के मैरिड लाइफ के संबंध कैसे रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।